बांधवगढ़ भारत के दिल में बसे हुए मध्य प्रदेश का एक छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अक्सर शेरों के सबसे अधिक घनत्व के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1968 में हुई थी। इससे पूर्व बांधवगढ़ का इस्तेमाल केवल एक शिकारगाह की भांति ही किया जाता रहा है। बांधवगढ़ की भौगोलिक स्थिति लगभग 1536 वर्ग किलोमीटर की है। बांधवगढ़ के तीन जोन जैसे मगधी, खितौली और ताला हैं। इन्हीं तीन जोन में शेरों की उपस्थिति सबसे ज़्यादा देखी गई है। केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे पहले सफ़ेद शेर मोहन बांधवगढ़ में ही देखा गया था। वह दौर था सन 1952 का, जब रीवा रियासत के राजा महाराजा मार्तंड सिंह थे और उन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार सफ़ेद शेर देखा गया था। शेरों के इतिहास की जब भी हम बात करेंगे तो शेरनी सीता की बात अवश्य की जाएगी, और सीता को बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की कुल देवी कहा जाता है। सीता के ही कुनबे से आज बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को शेरों के सबसे अधिक घनत्व का दर्जा दिया गया है, और इसमें इसका साथ दिया शेर चार्जर ने। इसके अलावा बीटू, सुंदर, अन्य भी कई शेर हुए हैं जिन्होंने अपने कुनबों से बांधवगढ़ की धरोहर को संभाल कर रखा हुआ है। वर्तमान में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की संख्या लगभग 120 से 125 है, और यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के 1536 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 124 शेरों से कितना अधिक घनत्व है शेरों का। जब भी हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर सफारी के लिए जाते हैं तो शेरों के साथ सांभर, एशियाई भालू, चिंकारा, तेंदुआ, चौसिंघा, जंगली भैंसे, नील गाय, जंगली कुत्ते और धब्बेदार हिरणों को आसानी से देखा जा सकता है। बांधवगढ़ में पक्षियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से प्रमुख जैसे गिद्ध, गरुण, कठफोड़वा, नीलकंठ आदि प्रजातियां। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं वन विभाग के द्वारा चलाई जा रही वन्य प्राणियों की संरक्षण की योजनाओं के योजनाकर्ताओं एवं वन विभाग का, जिनकी असीम मेहनत की वजह से
हमारे वन्य जीवन की धरोहरें आज भी सुरक्षित हैं और उनकी संख्याओं में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। और मैं साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूँ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंचलों में बसे उन ग्रामवासियों का जिन्होंने अपनी धरोहर को बचाने हेतु अपना घर, अपना बसेरा छोड़कर किसी अन्य सुरक्षित क्षेत्र में अपना बसेरा बना लिया। हम आगे भी राष्ट्रीय उद्यानों के इतिहासों के बारे में बातें करते रहेंगे, अपनी धरोहरों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।